नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में ईंधन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कोल पहला पॉइंट है कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है। प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक है, कौन सा है? पेट्रोलियम। अगला पॉइंट है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है। तो कौन सा है? वह है प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल, ईथर, ईथर और वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है। किसका होता है दोस्तों? किसका होता है सबसे ज्यादा ईंधन मान इनमें चारों में से? तो किसका होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है दोस्तों, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। ठीक है, ऑक्टेन संख्या क्या होती है? किसकी गुणवत्ता की माप होती है? पेट्रोल की। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह डीजल के लिए। डीजल के लिए